एचईसी में आज के लेक्चर में हम देखेंगे डोज शेड्यूल। कल मैंने बताया था कि वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं, किस लिए? इम्यून बूस्ट करने के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, इम्यून की पावर को बढ़ाने के लिए। ताकि उससे क्या होता है कि जो भी जिसको भी डिजीज है, जिसको डिजीज होने वाली है, जो एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आए उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन डोज शेड्यूल फॉर चिल्ड्रंस। डोज का क्या शेड्यूल होता है चिल्ड्रंस के लिए, वही हम क्यों करते हैं, क्योंकि एज वाइज जब सबको पता ही होगा कि डोज क्यों डिवाइड की गई है, ताकि सबको मीजरिंग अमाउंट में उनके वेट, साइज और एज के अकॉर्डिंग हम उन्हें ड्रग दे पाए, ताकि उसका कोई एडवर्स, ज़्यादा डोज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा, हैवी डोज हो जाएगी, टॉलरेंस नहीं कर पाएगा उसकी बॉडी को, तो उससे हमें क्या मिलेगा, साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हम डोज शेड्यूल बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जो कितने वीक्स की प्रेग्नेंट हो, 16 to 36 वीक्स की। ठीक है, तो उसमें हम क्या, प्रेगनेंसी के दौरान हम इंजेक्शन दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, कौन सा, टीटी का। टीटी मतलब टिटनेस टॉक्सॉइड, टिटनेस के इंजेक्शन दे रहे हैं हम प्रेग्नेंट लेडी को, और नंबर ऑफ डोज कितनी है, 2। वैसे ही इन्फेंट्स के लिए है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, जब बेबी बॉर्न होता है तब उसको वैक्सीन दिए जाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो उसका एक इंटरवल होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है, कि इतने इतने गैप पर इन्फेंट को वैक्सीन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन्फेंट के लिए 15 दिन का जब वो होगा, 15 डेज पे, तो क्या दिया जाएगा उसे, ओरल पोलियो एंड बीसीजी। बीसीजी मैंने कल बताया था बैक्टीरिया के लिए होता है, बैसिला, कैलमेट गेरिन ने, ये साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट की थी वैक्सीन, तो उनके नाम से पढ़ा था ये। तो इसकी डोज कितनी है, 0-1। नेक्स्ट है 6 वीक्स के लिए, जो 6 वीक्स का बच्चा होगा, इन्फेंट होगा, उसे क्या दिया जाएगा वैक्सीन, डीपीटी। डीपीटी मतलब डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। डिफ्थीरिया तो पता ही है, सोर नेक और गले का इन्फेक्शन होता है। पर्ट्यूसिस क्या है, आपकी वूपिंग कफ, जो काली खांसी हो रही थी। और टिटनेस, जो भी हमें टिटनेस के इंजेक्शन दिए जाते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, लो या वगैरह से जो चोट लग जाती है। उसके साथ साथ ओरल पोलियो, ओरल पोलियो दी जा रही है उसे, कितनी डोज, 0-1, एक डोज दी जा रही है 6 हफ्ते के बच्चे को। नेक्स्ट है 10 वीक्स, 10 वीक्स के बच्चे को भी सेम डोज दी जा रही है, सेम नंबर ऑफ डोज है। 14 वीक्स के बच्चे को भी सेम वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है विद सेम नंबर ऑफ डोज। नेक्स्ट है 9 से 12 महीने के बच्चे को क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है, मीजल का। मीजल क्या होता है, मीजल मतलब खसरा, तो उसकी डोज कितनी जा रही है, 0.1। क्योंकि ये जो एज गैप है, एज ड्यूरेशन है, इतने मंथ्स के बेबी हैं या वीक्स के बेबी हैं, तो उनमें जैसे जैसे ये वैक्सीन जाएंगी वैसे वैसे एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होता जाएगा, इसलिए ये गैप दिया गया है। और जो फीवर वगैरह होता है वैक्सीन के बाद बच्चों को, पेन होता है, तो वो भी इसी के, जैसे एंटीजन गया तो एंटीबॉडीज आपकी डेवलप होंगी, तो उस रिएक्शन की वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी हीटअप होती है, जिसकी वजह से फीवर डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रंस जो 18 से 24 महीने के हैं, उसमें भी कैटेगराइज किया गया है 5 to 6 years, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। जो चिल्ड्रंस हैं 18 से 24 महीने के, 12 महीने से ऊपर, 1 साल से ऊपर, उनको क्या दिया जाएगा, डीपीटी दिया जाएगा, ओरल पोलियो दिया जाएगा। डीपीटी मैंने बताया डिफ्थीरिया वूपिंग कॉफ ऑफ टिटनेस का मिक्सचर वैक्सीन है, जो किस लिए दिया जाता है, बूस्टर डोज है, यानी जो उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं वो बूस्ट हो सके, दोबारा से डेवलप हो सके। उसकी डोज कितनी है, 1। 5 to 6 ईयर्स के बच्चे को क्या दिया जाएगा, डीटी। डीटी क्या है, डिफ्थीरिया एंड टिटनेस इंजेक्शन, उसकी डोज क्या है, 0-1। 10 ईयर्स के बच्चे को क्या दिया जाएगा, टीटी। टीटी क्या है, टिटनेस टॉक्सॉइड, उसकी डोज क्या है, 2। यानी 2 बार में उसको टिटनेस टॉक्सॉइड दिए जाएंगे। 15 ईयर्स के बच्चे को क्या दिया जाएगा, टीटी अगेन, और डोज कितनी रहेगी, 2 सेम। तो 10 ईयर
और 15 ईयर्स के बच्चे को सेम डोज दी जा रही है, सेम नंबर ऑफ डोज दी जा रही है सेम वैक्सीन के साथ। तो ये थे आपके चिल्ड्रंस के शेड्यूल, जिसको हम डोज शेड्यूल बोलते हैं, कि बच्चों को किस तरीके से हमें कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ डोज देनी है। डोज शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। द डोज ऑफ ऑल वैक्सीन इज 0.5 ml। जितनी भी वायरल वैक्सीन होती है उनकी डोज कितनी है? 0.5 ml। और जो BCG की डोज है उसकी कितनी ml है? 0.1 ml। वायरल की ज़्यादा है, बैक्टीरिया की कम है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन इज टू गिवन ओरली 2 drops। पोलियो वैक्सीन तो हमने सबने पी है, सबको दी गई हैं, देखते भी हैं कि वो 2 बूंद जिंदगी की जो TV पे ऐड आता था, तो वो कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती हैं 2 ड्रॉप, जिसमें कितनी अमाउंट होगी? 0.5 ml। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस आर DPT एंड पोलियो वैक्सीन। DPT मैंने बताया था, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, जो वूपिंग कफ के लिए होता है पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया यानी गले का इन्फेक्शन, टिटनेस यानी कोई भी टिटनेस हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना लोहे से वैसे। तो ये जो 2 ड्रॉप्स हैं, 2 वैक्सीन है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों को देने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में हम क्या देखेंगे, कि हम डिजीज़ को होने से कैसे रोकें, कैसे प्रिवेंट करें खुद को इन्फेक्शन होने से। और क्यों कर रहे हैं ये हम? ताकि हम और हमारी सोसाइटी हेल्दी रह सके, कम से कम डिजीज़ हो, कम से कम इन्फेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी वो हेल्दी रहे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? कंट्रोलिंग द डिजीज़। डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? थ्रू अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़। बेसिक सी बात है कि जब हम किसी डिजीज़ को, पहले हम जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे कि ये डिजीज़ क्या है, कैसा इन्फेक्शन है, तो फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट भी नहीं देख सकते कि हमें कौन सा ड्रग ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? अर्ली डायग्नोसिस, यानी शुरुआती ही हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर लेना चाहिए डिजीज़ को या पॉजिटिव एजेंट को जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट है बाय नोटिफिकेशन विच इंडिकेट्स इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ एवरी केस। मतलब क्या हुआ? नोटिफिकेशंस के द्वारा कोई भी डिजीज़ जो फैल रही है, जो हो रही है, उसके प्रत्येक एक एक पेशेंट पे नज़र रखी जाए, एक एक पर डे के हिसाब से, या पर डे हम डायग्नोस करें, डिटरमाइन करें कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कितनी जल्दी से इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो रहा है, कितनी जल्दी वो डिजीज़ किसी और के अंदर अकर हो रही है, पैदा हो रही है। तो उसका नोटिफिकेशन हमें तुरंत के तुरंत, यानी डे टू डे या आवर टू आवर हमें पता करते रहना चाहिए, जिससे कि हम उस डिजीज़ को जो भी कारण है उसके फैलने का, उसे हम ज्ञात कर पाएँ, उसे हम पता लगा पाएँ, उसे हम रोक पाएँ। एंड इन्फेक्शन डिजीज़ टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़। और हम क्या करें, उसका जो उस पॉजिटिव एजेंट से या जो भी डिजीज़ है, कैसे वो हो रही है और कैसे लोगों को इन्फेक्ट कर रही है और डिजीज़ कॉज कर रही है, उसको हम पता करके क्या कर पाएँ, लोकल अथॉरिटीज़ को, लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को हम बता पाएँ, उनको नोटिफाई करें कि ये प्रोग्राम हमें जनरेट करने चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, ऐसे ऐसे डिजीज़ आ रही है, ठीक है। दे टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट। फिर अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? हेल्थ अथॉरिटीज़ क्या करेंगी उसमें, कि जो भी उसके लिए, उनको पता होगा कि ये डिजीज़ हो रही है, तो जो भी उसको प्रिवेंट करने के जितने भी मेजर्स होंगे, जैसे भी हम उसे प्रिवेंट कर पाए, उन्हें क्या करेगी? आउट करेगी, उनके लिए नॉर्म्स बनाएगी, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, फिर उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, दवाई ड्रग ट्रीटमेंट जो भी है उसका वो प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। पहले डायग्नोज किया, फिर नोटिफिकेशन देखते रहे कि कैसे कैसे वो मल्टीप्लाई हो रही है डिजीज़, फिर अथॉरिटीज़ क्या करेंगी उसको प्रिवेंट करने के ऐसे ऐसे मेजर देखेंगी, जिसकी वजह से हम डिजीज़ को होने से रोक सकें और अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी रख पाए। नेक्स्ट है बाय एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है?
किसी भी डिजीज के बारे में डायग्नोज करना, अर्ली डायग्नोज करना और पता लगाना कि इन्फेक्शन कैसे, क्यों, कहाँ, किनको हो रहा है। यह पूरा हम एपिडेमियोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टडी करते हैं हम पहले, ताकि हम कंट्रोल और प्रिवेंट कर पाएं डिजीज से होने, डिजीज से लोगों को। द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेट, जैसे कि अभी हम COVID-19 में देख रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, पहले एपिडेमियोलॉजी स्टडी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब हमें पता पड़ा कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है लोकल कांटेक्ट में आने से। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, जो भी पेशेंट थे उनको आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया, अलग अलग रखा ताकि लोग कम से कम कांटेक्ट में आए, इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया उनको, फिर उसके बाद क्वारंटाइन शुड बी डन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। क्वारंटाइन क्यों करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से लोगों को बचा पाए ताकि वो इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज, कुछ बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक चीज़ें जो जिसके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सेकंड है हमारा ब्लॉकिंग द रूट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जो भी रूट है डिजीज के ट्रांसफर होने का उसे हमें ब्लॉक करना, कैसे करना चाहिए, उसके पॉइंट्स हैं बाय बॉयलिंग एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। पानी हमें उबाल के पीना चाहिए। क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन को वाटर में से रिमूव कर देना, क्योंकि क्लोरीन हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हम कैसे करते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके होंगे। तो जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि गर्म पानी पिए या गर्म पानी उबाल के ठंडा करके जब उसे इनटेक करें। वैसे ही ये भी एक माध्यम है जिससे कि हमारी डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बॉइलिंग वाटर एंड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड आइसोलेशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। फूड का हम कैसे प्रोटेक्ट करें, जैसे मक्खी मच्छरों से हमें, या खुले में खाना रखने से, या गंदगी में बनाने से हमेशा प्रोटेक्शन लेनी चाहिए या हमेशा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारा खाना कंटामिनेटेड हो या बाहर की एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए जिसमें मक्खी मच्छर धूल के कण सब होते हैं, इसलिए हमें खाना हमेशा ढककर रखना चाहिए। आइसोलेट द स्पॉइल्ड फूड, जो भी हमारा खाना या कोई भी खाने की चीज़ जो ख़राब हो गई है उसे अलग रखें, ताकि इससे इन्फेक्शन जो हमारा फ्रेश फूड है उसके अंदर ना जाए। बाई इंसेक्ट्स, जैसे मक्खी मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जर्म्स कैरी कर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बाय कीपिंग एटमॉस्फेयर क्लीन। एटमॉस्फेयर क्लीन कैसे रख सकते हैं हम, जैसे कूड़ा कचरा जला देते हैं घर के आसपास, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, वो कूड़ा भी गंदा ही होता है, तो उससे भी जो प्रदूषण होगा, जो हवा निकलेगी, जो धुआं निकलेगा, वो भी गंदा ही होगा। तो हमें अपने घर के आसपास के जितना भी एरिया है वो सब क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि मक्खी मच्छर पैदा ना हो या स्मोकिंग ना करें, जिससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन ही होता है हमारे आसपास। ठीक है, तो हमें अपना एटमॉस्फेयर क्लीन रखें ताकि हमारे अंदर कोई डिजीज ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट है बाय डिस्पोजिंग द एक्सक्रीटा इन अ प्रॉपर मैनर। एक्सक्रीटा क्या होता है, जो भी फीसेस, स्टूल, यूरिनेशन जो भी हम करते हैं, यूरिन जो होता है, उसे हम प्रॉपर डिस्पोज करें। जैसे बच्चों के डायपर्स होते हैं, उसमें स्टूल होता है, तो उन्हें हम कैसे प्रॉपर मैनर में से पैक करके फिर हमें डिस्पोज करने चाहिए डस्टबिन में, ताकि उससे मक्खी मच्छर कांटेक्ट में ना आए, उसके ऊपर ना टच करें, और वो मक्खी मच्छर हमारे खाने पर या हमारे कपड़ों पर ना बैठे। ठीक है, और नेक्स्ट है बाय किलिंग द वेक्टर्स ऑफ डिजीज विच ट्रांसमिट द पॉजिटिव एजेंट। वेक्टर्स मैंने बताया था, जैसे व्हीकल और वेक्टर्स में डिफरेंस बताया था। व्हीकल होता है कि कोई भी मीडियम जिससे इन्फेक्शन हो रहा हो, जिससे डिजीज हो रही हो, पॉजिटिव एजेंट ट्रांसफर हो रहा हो। वेक्टर्स भी वही होते हैं, जैसे मक्खी मच्छर, वो खुद तो कॉज करते नहीं हैं डिजीज, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, वो बैक्टीरिया को ट्रांसफर ज़रूर कर देती हैं। तो उन जो वेक्टर्स को हमें किल कर देना चाहिए बाय मोर्टिन और ये सब जो चीज़ें लेते हैं हम, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी डिजीज ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मैंने पढ़ाया आपको, एक्टिव और पैसिव होता है, क्यों करते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहे, हाई रहे, हैवी रहे, जिससे कि हमें कोई डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो।
एक्टिव वो पैसिव मैंने बताया था, एक्टिव में एंटीजन इनोकुलेट कराते हैं बॉडी में और पैसिव में एंटीबॉडीज डाली जाती हैं जो बीमारी से लड़ सके। और मेरे ओवरऑल क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें हम, जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो। तो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस वो हो गया जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, रेजिस्टेंस बढ़ा दे हमारा किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के प्रति। ठीक है, तो लास्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सब जो एपिडेमियोलॉजी, ये सब डिटेल जो मैं आपको दे रही हूँ वो सब हेल्थ एजुकेशन है, ताकि आप अवेयर रहें कि कोई भी हमें डिजीज होती है या होने से कैसे बचानी है, सोसाइटी में क्या क्या हमें करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें, रहना अपना कैसे करें, खाना पीना कैसे रखें जिससे हमें डिजीज ना हो या कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, खुद को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कराएं, स्ट्रॉन्ग कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें। तो पूरा ये आपका पूरी हेल्थ एजुकेशन है जो आपको दी जा रही है। आपके सब्जेक्ट का नाम भी यही है, तो इसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब हेल्थ एजुकेशन है। और वो क्यों है, ताकि आप फिट रहें, आप डिजीज से इन्फेक्ट ना हो, प्रिवेंट कर पाओ डिजीज को होने से, कंट्रोल कर पाओ और जो पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की हमारी वो हेल्दी रह सके। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करें जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं। थैंक यू।